ये देसी मुर्गे अभी ये नीचे क्या कड़कनाथ भी रखे हुए हैं। ओ जिलो हेलो जी नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। दोस्तों बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आज हम काफ़ी दिनों बाद काफ़ी सालों के बाद आज हम देसी मुर्गा खाने आए जी। पहले गए थे नर देसी मुर्गा खाने के लिए, आज हम कहीं और आए हुए हैं। तो यहाँ का जो प्रॉपर एड्रेस है वो तो मैं यहाँ के जो मालिक साहब है ना उनसे आपको बतवाऊँगा कि भाई एग्जैक्टली हम ये कहाँ पर आए हुए हैं। ये दंसल रोड है जो कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ही लोकेटेड है, ठीक है ना। तो मैं इसका मैप लोकेशन भी अगर मिला तो मैं इसका मैप लोकेशन भी आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। तो पहले आप देखो जी ये लोकेशन कैसी है। ये जो रास्ता है ना ये रास्ता भाई ये जाता है जी मानसर के लिए, ठीक है समझे मेरी बात को आप, जो कि 30 किलोमीटर दूर है यहां से, 30 किलोमीटर जो ये रास्ता है जी, ये जा रहा जी अपना कहां जी जम्मू नेशनल हाईवे के ऊपर, जम्मू कटरा नेशनल हाईवे के ऊपर, जो कि करीब वहां से यहां से 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है जी। और ये है जी वो ढाबा जो एकदम खूबसूरत सा ढाबा है, राजा जी का ढाबा, ठीक है जी, जहां पर देसी मुर्गे मिलते हैं बड़े शानदार से। ये इनका ढाबा है, प्यारा सा सेटअप है, ठीक है, छोटा सा सिंपल ढाबा अपना। ये यहां पर बैठने के लिए इंतजाम है, ये अपने राजा जी हैं, ठीक है जी। देखो देसी मुर्गा 500 रुपये किलो है कच्चा, 500 रुपये कच्चा। और बनवाई कितनी है? बनवाई 200 रुपये लेते हैं किलो। बनवाई 200 रुपया तो निकाल दो बढ़िया सा। हाँ निकाल दो। ये देसी मुर्गे अभी ये नीचे क्या कड़कनाथ भी रखे हुए हैं। ओ जी लो लो जी कड़कनाथ भी हैं इधर अवेलेबल है ना। ये हम तो भाई देसी मुर्गा खाएंगे आज, कड़कनाथ हम कभी और खाएंगे। ये बाकी रहे जी नकली मुर्गे, हाँ ये रहे असली मुर्गे, हाँ बड़े बड़े जी ये, हाँ देखो जी कड़कनाथ के मुर्गे, बीच में देसी मुर्गी बैठी हुई है। तो जी अब तोलते हैं कि देखते हैं भाई अपना देसी मुर्गा है कितने का आखिर, नहीं कितने का है नहीं कितने किलो का आखिर। भाई 2 किलो के करीब है, 2 किलो 200 ग्राम। बढ़िया जी बढ़िया, कर दो जी स्टार्ट। तो लो जी भैया ने अपना मुर्गा एकदम सेट सूट कर दिया, एकदम साफ सूफ कर दिया। अब इसके पीसे करवाते हैं जी, भाई पीसेस ना मतलब कि ठीक रहना, मीडियम साइज के ना, छोटे ना बड़े ना। तो भाई मैं भाई से पूछ रहा था मैं, हाँ जी आप कब कब अवेलेबल होते हो? कहते हैं जी पूरा हफ्ता होते हैं, बट केवल मंगलवार को अवेलेबल नहीं होते हैं जी, ठीक है जी। तो लो जी भैया जी ने पीस पूछ कर दिया, हमने मीडियम साइज़ के रखवाया, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। तो जी अंकल जी यहाँ तैयारी कर रहे हैं जी टमाटर टमाटरों की, हाँ ये टमाटर टमाटर कट रहे हैं। तो भाई अंकल को हमने कहा जी चूल्हे पर बनाओ, पर चूल्हा भाई अभी अवेलेबल नहीं है। वो क्यों नहीं अवेलेबल, क्यों लकड़ अवेलेबल नहीं है, समझे मेरी बात को आप। तो जी हम गैस भी बना के खाएंगे देसी मुर्गा जी। तो भाई भैया जी कह रहे हैं जो ये प्याज देख रहे हो, ये क्या प्याज है भाई, क्या प्याज है जी ये? सर प्याज और नमक डाला है, ये प्याज और नमक अपने तेवे डाला हुआ इसमें बस। अच्छा अच्छा ये बल्कि आपने हाफ फ्राई करके पहले का रख दिया हुआ है। ओके तो जी भैया ने लगा दिया जी प्याज को फ्राई पे, ठीक है। इसमें उन्होंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया हुआ है जो कि मैं दिखा नहीं पाया, इसमें सारी मेरा गोप्रो बैठ गया यार। अब मैंने कैमरा निकाल लिया रिकॉर्ड करने के लिए। तो भैया इसे कब तक भूनना है आपने? अब दो मिनट ओके। तो अंकल क्या तैयारी कर रहे हैं यार? अंकल कुछ कूट रहे हैं यार, हम देखे क्या कूट रहे हैं। अंकल क्या कूट रहे हो आप? हल्दी कूट रहे हैं, अदरक और थूम, हरी मिर्ची। ओके जी फोन आज फोन किसी का रहा है। अंकल क्या कूट रहे हो आप? हरी मिर्ची कूट रहे हैं और लहसुन कूट रहे हैं। हरी मिर्ची और लहसुन कूट रहे हो? अच्छा अच्छा। और अदरक? और अदरक। तो लो जी कूट के निकला जी अदरक लहसुन बाहर, लो जी पड़ गया। तो भाई ये है वो जो मेन इंग्रेडिएंट, क्या बोलते हैं जी इंग्रेडिएंट मसाला, जो भी समझा जाओ अंग्रेजी अपनी टाइट है भाई, है भाई ये वो टिक्की मसाला है जो कि देसी मुर्गे की जान रहती है भाई। मैंने जम्मू में बहुत ढूंढा भाई, नहीं मिला मेरे को भाई कहाँ मिलता है ये? कटरा में। कटरा ओके। तो आप इसको भैया कितनी देर पकाओगे इसको? एक मिनट। तो लो जी पड़ गया जी देसी है मुर्गा। तो भैया आप कब तक इसको पकाओगे? आधा घंटा। ओके तो भाई बताना चाहता हूँ ये जो भैया अपने ये राजा जी के बेटे हैं, ठीक है जी। हाँ अच्छा 10 मिनट के लिए रखे रख दो। ओके तो जी जब तक हमारा मुर्गा वगैरह पकता है जी अंकल से पूछते हैं, अंकल जी जो मुर्गे वगैरह आप लाते हो ये कहाँ से लाते हो आप? ये गुजरों से लाते हैं, गुजरों से नगर से। ये शब्बा बनियाल हो गया इधर गांव में, शब्बा बनियाल रामगढ़ और बस इधर से ही लाते। अच्छा यहीं से खुद ही आते हैं लोग? खुद देने आते हैं आपको? लागी लागी लगाए हैं ना। अच्छा लागी लगाई हुई आपने, वो आते हैं लेकर। तो कितने मुर्गे बिकते हैं जी एक हफ्ते में या पर डे? पर डे में 5-6-7-8-10। 5-6-7-8 और संडे को तो रश रहता होगा, संडे को है ना? 20-25। ओके ओके टमाटर डाल रहे हैं। ओके तो जी 10 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं जी स्थिति कैसी है। आओ मुर्गे ने थोड़ा बहुत पानी छोड़ दिया है। अब पड़ने जी ये टमाटर टमाटर और हरी की मिर्चा, लो जी पड़ गया। तो भैया आप क्या डालने वाले हो? आप हल्दी डालनी है।
अब पड़ेगी जी थोड़ी सी हल्दी, यानी हेल्दी। तो भाई पिछले 30 मिनट से भाई राड लग रही है, भैया राड लगा रहे हैं, ढक्कन रख रहे हैं, राड लगा रहे हैं, ढक्कन रख रहे हैं, राड रख रही है। तो भाई देखो रंग चेंज हो चुका है जी, ठीक है जी। तो अभी इसमें करीब 20 मिनट और लगने बनने में जी, समझे मेरी बात को आप? अब मसाले डालने हैं और अच्छा गर्म मसाला बस वही रह गया आखिरी। तो भैया कह रहे हैं जी देखो जी पहली बात, ये बात बड़ी नोटिसेबल है कि भाई कहते हैं कि जितने मसाले डालोगे ना उतना ही इसका टेस्ट खराब हो जाएगा, जितने मसाले देखोगे लिमिटेड भाई उतना टेस्ट अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि देसी मुर्गे का भाई अपना फ्लेवर होता है, अपना टेस्ट होता है, जो कि राड लग लग के भाई दे ही देता है। समझे मेरी बात को आप? और भाई ये ना सोचना कि नमक नहीं मिलाया, नमक मिला दिया जी, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया फिर भाव लोग भैया नमक नहीं मिलाया क्या तुम्हें? ठीक है जी भैया, गरम मसाला बस आखिरी मसाला था ये, या और पढ़ना कुछ बस। तो भाई देसी मुर्गा जो है ऑलमोस्ट बन के तैयार है भाई। भैया सूखा खिलाओगे या तरी वाला? थोड़ा ग्रेवी कर देते हैं। फुलका फुलका आपके पास? ओहो भाई फुलका नहीं है तो हमको भाई किंग खाना पड़ेगा। तो किंग के लिए भाई चाहिए हमको तरी, यानी बोले तो ग्रेवी। तो भैया ग्रेवी वाला बनाओ यार, ग्रेवी लिंग टाइट। तो जी देसी मुर्गा अपना ऑलमोस्ट डन है जी, ठीक है जी। और अंकल तैयारी कर रहे हैं जी अपने हमारे सलाद की। भाई सलाद में अंकल जी क्या क्या दे रहे हो? प्याज भूस, चटनी की चीज़ की रहेगी, हरी मिर्च, धनिया, हरी मिर्च और इमली वगैरह। तो जी अब भैया जी सब भाई बाहर निकाल रहे हैं। तो लो जी देख लो जी भाई तैयार है जी, है अब तैयारी करते हैं जैसे खाने की विद कहेंगे। तो लो भाई देसी मुर्गा बन के तैयार है जी, हम बिल्कुल सेट हो चुके हैं बैठने के लिए, खाने के लिए, सॉरी बैठने के लिए। भाई देखो यार, तो भाई कैमरा घुमा करो साइड पे, हाँ। तो भाई देखो जी ये इसकी स्थिति है, ये देखो क्या स्थिति है जी, ये स्थिति सर। लेग पीस देखो कैसा भाई, देखो लेग पीस है सही नहीं, हाँ भाई। तो जबरदस्त की सौदा मुर्गे का भाई देखो भाई, सब पोटा गया पोटा भाई, देसी मुर्गे का पोटा कहते भाई पोटा है भाई, निक्का जी या पोटा है भाई देखो जी है। तो ग्रेवी के नाम पे हमने ये रखवाई ग्रेवी, ओनली मसाला, ओनली मसाला, नो एक्स्ट्रा पानी भाई, पानी है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है, समझे मेरी बात को आप? भाई बूता ये इसकी ग्रेवी खाने में कैसी है, नो खड़े मसाले, नो बैठे मसाले, ओनली पाउडर मसाले पड़े इसके अंदर। तो भाई ये देखो जी इसका टेक्स्चर, ये ओए हाथ जल गया बाबा, हाथ जल गया रे बाबा, हाथ जल गया। ओ यार मतलब कि मैंने जब से हाथ मुड़ा है ना टेक्स्चर चेक करने के लिए भाई बड़ा गाढ़ा है यार ये। तो भाई चक चुक करें भाई, नमक नमक बराबर है ना। मतलब कि मैं क्या ही बोलूं, मतलब कि अदरक लहसुन का जो फ्लेवर है बड़ा कड़क है, समझ मेरे कड़क है, और बताएगा और बताएगा। तो भाई मसाले के नाम पे क्या ही है, ओनली टिक्की मसाला जो कि मेन मसाला है इसका, मेन मसाला, बाकी क्या ही है गरम मसाला जो घर का बना होता है इनका, हाँ। बट लेकिन जो फ्लेवर भाई देसी मुर्गे ने छोड़ा हुआ है भाई क्या ही बताऊँ, मैदा मैदा नमक परफेक्ट है, एकदम सही है। अब मुद्दा ये है कि भाई इसका लेग पीस खाने में कैसा है, हाँ। वह कलेजी तूनी मेरे तूनिया, अभी ओनली लेग पीस भाई देखो, इसका लेग पीस शेव होकर कैसा होता है, अनशेव्ड, हाँ। जैसे नहीं तो नकली मुर्गे का शेप ऐसा होता है, एकदम लॉलीपॉप स्टाइल है। और पैसे खा लेते हैं यार, देखिए स्वाद आ रहा है, देखिए स्वाद आ रहा है। देखो जी देसी मुर्गे का बोलना ही है, बट जो फ्लेवर है वो ऊपर ऊपर है, अंदर जो भीतर है उतना फ्लेवर नहीं है, वो तो अपने देसी मुर्गे का अपना फ्लेवर है। बट जो मसाला मसूला मिला क्या जब आप खाते हो ना तो बड़ा स्वाद आता है यार, बड़ा स्वाद। बट अनफॉर्चुनेटली भाई सॉरी यार, दो हाथ गंदे हुए हैं भाई, चूल्हा यार हाँ, चूल्हे का बड़ा मलाल रहेगा। चिपड़ गया यार। तो भाई लेग लुक तो हो गया भाई, पोटा मेन चीज है भाई, पोटा भाई, पोटा खाने का भाई देसी मुर्गे का। भाई भाई ये भाई पोटा निक्का जी एकदम सिकुड़ गया हुआ है, फोकस करो फोकस फोकस। वाकई में यार पोटा बहुत टेस्टी होता है भाई देसी मुर्गे का यार।
भाई कोटा भी हो गया, लेग भी हो गया, अब टिंग भाई फुल का तो अवेलेबल नहीं है, टिंग को ले आते हैं इज्जत से। तो लो जी भाई किंग की एंट्री हो गई। भाई भाई किंग का रेट क्या है, प्राइस क्या इसका? 50 भाई, ये 50 रुपये का प्लेट है, 50 रुपया, 50 रुपया, ये देख रहे हो फुल प्लेट। हाँ भाई, मुद्दा ये है कि इसके साथ कौन सा पीस ले आओ, कोई बढ़िया पीस तो है ही भाई। देखो ग्रेवी तो नाम पे क्या ही है, शार्ट ग्रेवी एकदम शार्ट। आ जा भाई, लो जी आ गया। और ये देखो जी ग्रेवी कर लो ऐसे मिक्स मुक्स, थोड़ा ऐसे भी लपेट लो। हाँ पहली बाइट भाई देसी मुर्गे के नाम पे। हाँ प्याज तू सबने ट्राई नहीं किया यार, स्वाद है भाई। मैं इसको साथ ना ऐसे डुबोएगा फिर टेस्ट करेगा। तो भाई कोई पीस पूछ कर दे। ओ जी थोड़ी ग्रेवी भी लेते हैं भाई। अगर माइक में अच्छी आवाज ना आ रही हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि भाई मैं आज माइक लाना भूल गया यार, समझी मेरी बात। मैं इंटरनल माइक यूज कर रहा हूँ भाई कैमरे की। भाई आओ भाई। तो दोस्तों भैया दादी अपने राजा जी का देसी मुर्गा भाई बड़ा स्वाद आया भाई। देखो जी स्वाद क्या ही है, माहौल बहुत बढ़िया होता है यहाँ का। आप भी आओ, टेस्ट करो, बाकी लोकेशन वगैरह फोन नंबर वगैरह सब बता देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।